नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं शिवम मिश्र, आप सबका शिक्षा जगत में साथी और आप कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शक की भूमिका में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल पे, सीजीएस कोचिंग के जो आपका अपना YouTube चैनल है उस पे, या अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं Facebook पेज पे ऑफिशियल सीजीएस की, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ सीजीएस के ऑफिशियल पेज पे या ग्रुप में, जहां भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो कुछ खास है। खास इस मायने में है ये कि ये वीडियो केवल और केवल हमारे लिए इसलिए जरूरी नहीं है देखना या जानना कि हम जो है सीटेट की या हम आगे आने वाली परीक्षाएं जो है हमारी नवोदय विद्यालय की या टीजीटी पीजीटी पीआरटी डीएसएसबी केवीएस या जिस भी राज्य की कोई परीक्षा है, तो सिर्फ परीक्षा में अंक प्राप्त करके जॉब सेलेक्ट होना है वो तो हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही, तैयारी करने का और हमारे आपकी अंतःक्रिया का, हमारी आपके बीच की बातचीत का। लेकिन इस वीडियो की खासियत दोस्तों ये है कि ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ सिर्फ विद्यार्थी गण या जो पढ़ाने पढ़ने वाले लोग हैं सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये वीडियो दरअसल महत्वपूर्ण उन सभी लोगों के लिए है जो समाज में अपनी एक सक्रिय नागरिकता की भूमिका की तलाश में है, या जो कहीं ना कहीं समाज के प्रति संवेदना रखते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज की जो विविधता है, समाज में जो एक तरीके से अलग अलग आवश्यकता वाले बालक हैं, अलग अलग आवश्यकता वाले लोग हैं, उनकी सेंसिटिविटी को, उनके बारे में एम्पैथेटिक व्यू रखते हैं, उनको समानुभूति के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, न कि एक विचारगी या एक हम कहें कि सहानुभूतिपूर्ण रवैये से, उस नजरिए से न देखकर, बल्कि अपनी अपने आप को उस जगह पे रखकर देखने की जो कोशिश करते हैं, उनके सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यानी कि एक तरीके से हम बात कर सकते हैं इसको कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यानी कि जो एक तरीके से अक्षम बच्चे हैं, अक्षम लोग हैं, अक्षम व्यक्ति हैं हमारे समाज के अंदर, जो कि बहुत अभिन्न हिस्सा हैं हमारे समाज की, हमारे समाज की खूबसूरती को बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका योगदान है इस अपनी विशिष्टता की वजह से, अपनी विशिष्ट क्षमताओं की वजह से, उन सभी का क्या अधिकार है, उनके बारे में क्या एक समाज के रूप में हमारी भूमिकाएं हैं जो कि कानूनी रूप से हमारे ऊपर एक तरीके से वैध रूप से डाली गई हैं, उन चीजों को हम आज समझेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा विस्तृत और विशिष्ट तरीके से कानून है, इसको हम पूरी इसकी समग्रता में यहाँ पे समझने के लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी इसका परीक्षा वाला ज्यादा प्राइमरी है, मैंने पहले ही बताया। लेकिन हाँ, वो भी एक ओवरव्यू देने के लिए आपके लिए पर्याप्त होगा, मैंने वो चीजों को इसमें शामिल किया हुआ है जैसे कि एक ओवरव्यू आपको पूरा पूरा मिले, होलिस्टिक अप्रोच मिले आपको। लेकिन हमारा जो फोकस होगा दोस्तों वो होगा एकेडमिक, यानी कि वो होगा हमारे उन क्षेत्रों पर जो कि हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, टीचर्स रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम से, इंक्लूडिंग सीटेट और स्टेट वाइज जो टेट एग्जाम्स होते हैं, या फिर प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, या हम बात करें हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम्स होते हैं, या लेक्चरर के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी नेट के लिए जो एनटीए की तरफ से परीक्षाएं होती हैं, इन सभी में तो काम करेगा ही करेगा। उसी ओरिएंटेशन के साथ ये वीडियो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों सीधे सीधे शुरू करते हैं और बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की। आइए दोस्तों, दोस्तों देखिए आपको पहली स्लाइड यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें ऊपर आपको हेडिंग मिलेगा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 01 स्लाइड, यानी कि हम इसमें बात कर रहे हैं देखिए सबसे पहले कि ये जो कानून बनाया गया एक तरीके से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, या हम कहें कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए इस कानून की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कहाँ है दोस्तों, तो देखिए लिख रहा है यहाँ पे कि एन एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि वैश्विक स्तर पे जो यूनाइटेड नेशंस है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा जो एक तरीके से कन्वेंशन पारित किया गया है वैश्विक स्तर पर, जो एक मानक पारित किया गया, तय किया गया कि भाई हम किस तरीके से ऐसे लोगों की राइट्स को प्रोक्योर करें, सिक्योर कर सकें, अधिकारों की सुरक्षा कर सकें, उस चीज को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए, उस चीज को प्रभावी बनाने के लिए, लागू करने के लिए इस कानून की आवश्यकता महसूस की गई और उसको लाया गया। अब इस कन्वेंशन के अंदर क्या मेन मेन प्रिंसिपल से देखिए हम समझते हैं, क्योंकि अगर ये हम समझ गए तो हम भारत का जो कानून है, हमारा 2016 का जो एक्ट है, उसकी पृष्ठभूमि समझ जाएंगे, उसके उद्देश्य समझ जाएंगे, और इससे हमारी पूरी की पूरी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लेकर वो बन जाएगी दोस्तों, वो परीक्षा में भी काम आएगी और वैसे भी काम आएगी एक सक्रिय नागरिक की भूमिका निभाने में। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट इसमें है, आप देखिएगा, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइस एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाई हमारा जो समाज है वो विविधतापूर्ण समाज है,
और इस विविधतापूर्ण समाज के अंदर हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, आप सब जानते हैं, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं जो कि हमें अलग अलग क्षमताओं के आधार पर, अलग अलग रुचियों के आधार पर, अलग अलग तरह की एक तरीके से हम कहें कार्य करने की जो हमारी शक्तियां हैं उसके आधार पर एक दूसरे से भिन्न बनाती हैं। तो निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हमारी इनहेरेंट या हम कहें कि जो हेरिडिटल या जो हमारे अंदर जन्मजात रूप से विशिष्टताएं हैं, हमारी डिग्निटी है, हमारी जो पहचान है, उसके लिए हम कहने के रिस्पेक्ट रखें एक दूसरे के प्रति, और साथ ही साथ एक व्यक्ति की स्वायत्तता को हम महत्व दें। हर एक इंडिविजुअल स्वायत्त हो, आत्मनिर्भर हो, अपने निर्णय, अपनी च्वाइसेस, अपनी डिसीजंस वो खुद ले सके, इस चीज को कहने के महत्व दिए जाने की जरूरत है, और उसको इस तरीके का इंडिपेंडेंस मिलना बहुत ही जरूरी है उसके अपने संपूर्ण विकास के लिए, उसकी अपनी एक व्यक्ति के रूप में गरिमा को प्राप्त करने के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये आप सब जानते हो कि भारत जैसे देश में या किसी भी ऐसे देश में जो कि ट्रांजिशनल फेज में है, जो कि एक तरीके से हम कहें कि भाई हम इसको अगर देखें तो हम इसको कहेंगे प्रिज्मेटिक सोसाइटी का देश मानते हैं। एक थ्योरी अगर आप पढ़ोगे एफडब्ल्यू रिक्स की, जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है या जिसको हम पढ़ते हैं जनरली मैनेजमेंट के अंदर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो एफडब्ल्यू रिक्स साहब समाजों को तीन हिस्से में बांटते हैं। एक होते हैं फ्यूज्ड सोसाइटीज, दूसरे होते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, और तीसरे होते हैं डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज। तो जो फ्यूज्ड सोसाइटीज हैं वो तो हो गई बिल्कुल वो वाले देश जहां पे कि स्पेशलाइजेशन नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज होती है वहां पे स्पेशलाइजेशन है लेकिन मल इंटीग्रेशन होता है, यानी इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे चीजों को हम लोग। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं दोस्तों हम लोग की बहुत सारी दूसरी विसंगतियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी विसंगति है। अब भारत जैसे देश में बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट एक दूसरे के साथ करते हैं या हम उसका अनुभव करते हैं अपने जीवन में। उसमें बहुत बड़े आधार हैं, जैसे हम सामाजिक जातीय पृष्ठभूमि है उसको देख सकते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड से, रिलीजियस बैकग्राउंड से, उसके आधार पर तो है ही है, आर्थिक सामाजिक स्तरों के आधार पर, लेकिन शैक्षिक आधार पर भी है, लैंगिक आधार पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हम देखने को मिलता है हमें, लेकिन उससे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों मिलता है डिसेबिलिटी वगैरह के आधार पर। और आप जानते हैं कि जो इतिहास रहा है, जो पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, तो अब तो चलिए बहुत सुधार आ गया मानवाधिकारों के ऊपर बल देने की वजह से लगातार, और हमारी जो सिविलाइजेशन, हमारी जो एक तरीके से वैल्यूज इनकलकेट हो रहे हैं, लेकिन पहले के समय में अगर हम देखें तो घरों के विशिष्ट बच्चे जो होते थे उनको परिवार भी कहीं ना कहीं अस्वीकार कर देता था समाज के दबाव में, समाज के द्वारा उनको तिरस्कृत कर दिया जाता था, उनको एक व्यक्ति के रूप में ही स्वीकार करने में समस्याएं थी, एक व्यक्ति के रूप में उनको मान्यता देने में कहीं ना कहीं समस्याएं थी, लोग उनको किसी न किसी अलग अलग नामों से, जैसे चुड़ैल या कह लीजिए या कुछ भी इस तरीके की बातें संबोधित करते थे, जो कि बहुत भयानक स्थिति थी। धीरे धीरे सुधार हुआ, स्पेशल एजुकेशन की बात आई और ये माना गया कि भाई हर एक बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना और अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना संपूर्ण विकास करना, अपने कौशलों में सुधार करना, अपने जीवन को जीने के लिए कुछ नए कौशल सीखना, बेहतर बनना। तो उन चीजों को लेकर स्पेशल एजुकेशन जैसी चीजें, विशेष शिक्षा के स्कूल खोले गए अलग अलग जगहों पे, अलग से टीचर्स ट्रेंड किए जाने लग गए और एक जैसी क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सिखाया जाने लग गया। फिर हमने देखा 1974 में बेसिकली इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, समेकित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा। ऐसे में क्या हुआ कि जो रेगुलर स्कूल्स थे नॉर्मल, जिसमें चाइल्ड सो कॉल्ड पढ़ते हैं, उनको ओपन तो कर दिया गया ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, CWSN या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, लेकिन उसमें बच्चे के ऊपर ही ये जिम्मेदारी डाली गई कि आप उसको कोप अप करिए, आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करेंगे कि आप रेगुलर स्कूल जो एजुकेशन है मेन स्ट्रीम वाला उसके लायक बन पाएंगे, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, सिस्टम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन अब जो फोकस है आप जानते हैं सब लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पे है, समावेशी शिक्षा, जहां पे कि न सिर्फ हम सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा में शामिल करेंगे, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे स्कूल लेवल की, उसके साथ साथ उनकी जो आवश्यकताएं विशिष्ट हैं, जो उनकी विशिष्टता की वजह से उपजती हैं, पनपती हैं, उन आवश्यकताओं को भी हम कंसीडर करेंगे और उनके हिसाब से अपनी पूरी व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। टीचर अपने स्किल्स में सुधार करेंगे, अपने पढ़ाने के तौर तरीके बदलेंगे और इसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट होगा वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों की जरूरत के हिसाब से बनाएगा, उनके लिए सुविधाजनक बनाएगा, जो कि कहते हैं ना यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, एक तरीके से सार्वभौमिक जो सीखने का डिजाइन है वो तैयार किया जाएगा, जहां के हर बच्चा चाहे वो किसी भी क्षमता का हो, देख कर सीख सके, सुन कर सीख सके, छू कर सीख सके या साइन लैंग्वेज से सीख सके, जैसे सीख सकता हो उसको हम सिखाने की कोशिश करेंगे और उसके लायक पूरा वातावरण हम बनाकर देंगे। ये जिम्मेदारी अब सिस्टम और टीचर्स की, स्कूल सिस्टम की, अथॉरिटीज की हो जाएगी, बच्चों की जिम्मेदारी ये नहीं रहेगी, बच्चों के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बात हम लोग करते हैं, तो उस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन का है, उसमें थोड़ी सी मैंने लंबी चर्चा आपके साथ जानबूझकर की, क्योंकि इन सभी पक्षों पर एग्जाम्स में सवाल बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। अब देखिए तीसरी बात,
फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, यानी कि ऐसे लोगों को हम क्या करें कि समाज से अलग ना माने, समाज से उनको एक तरीके से हम कहें कि भाई मुख्य धारा से बाहर न रखें, बल्कि जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की उसमें शामिल करें और फुल्ली शामिल करें, उनको कायदे से इंक्लूड किया जाए और उनका पूरा का पूरा एक प्रभावी पार्टिसिपेशन हो देश के विकास में, समाज के विकास में, अंतः क्रियाओं में। हम किसी तरह का कोई भेदभाव न करें, उनको पूर्ण मौका दें, संपूर्ण मौका दें अपने आप को समाज के अंदर भागीदार बनने का और उसके क्रियाओं प्रक्रियाओं में शामिल होने का, उसमें विकास में अपना योगदान देने का। दोस्तों अगली बात करते हैं इसमें तो क्या आता है, देखिए रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी ऐसे लोग हैं जो डिसेबिलिटीज के हैं उनको एक ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी, जो मैंने पहले ही बात की कि अलग अलग विविधता है इंसानों के बीच में, अलग अलग तरीके की क्षमताएं हैं उनकी, अलग अलग तरीके की सोच है हम सबकी, अलग अलग तरीके के विचार और मान्यताएं हैं हमारी, उसी तरीके से जो हमारी अक्षमताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन डाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है। इस चीज को हमें समझना होगा और इस चीज को समझकर एक्सेप्ट करना होगा उन डिफरेंसेस को जो कि व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं, और उसके प्रति हमें आदर भाव भी रखना पड़ेगा, सम्मान का भाव भी रखना पड़ेगा। अगली बात इसमें कही जाती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर किसी को अवसरों की समानता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको भी इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से बताया, शिक्षा के अवसर की समानता हो तो साथ ही साथ अन्य जितने भी अवसर हैं, रोजगार के अवसर हो, या हम कहें मान लीजिए कि भाई कोई भी इनोवेशन है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई भी तरीके की पॉलिटिक्स जैसे मान लीजिए है देश में, या किसी भी तरह के व्यवसाय करना चाहे कोई, तो हर चीज में उनको अवसर बराबर मिलने चाहिए, सिर्फ इस आधार पर कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उनके अंदर कुछ तरीके से हम कहें कि भाई अक्षमताएं हैं या इंपेयरमेंट्स हैं, उसके आधार पर उनको हम वंचित न कर दें किसी भी अवसर से, किसी भी अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि वी कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम लैकनेस। अगर कोई चीज हम देखें दोस्तों कि भाई अगर हम ये देखते हैं मान लीजिए कि ग्लास हमारी जो है, अगर उस ग्लास में हम देखते हैं कि भाई नीचे उसके पेंदी में थोड़ी मिट्टी लगी है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा पूरा सोच उसी पे जाके टिक जाएगा, या हमें उस ग्लास के अंदर जो स्वच्छ जल है जो हमारी तृष्णा को तुरंत के तुरंत संतुष्ट कर सकता है, हमारी प्यास को तुरंत के तुरंत बुझा सकता है और हमारे जीवन में और हमारी ऊर्जा में एक तरीके से वृद्धि कर सकता है तुरंत के तुरंत, हम उस पक्ष को देखना चाहते हैं, या हम सिर्फ उस हल्की सी पेंदी में लगी हुई मिट्टी को देखकर उस पूरे पानी की सार्थकता को कहीं ना कहीं नकार देना चाहते हैं। ये हमारे अपने दृष्टिकोण की अंदर आने वाली बात है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उस पानी के ग्लास में कमी नहीं है, वो पानी के ग्लास की गुणवत्ता और क्षमता उतनी ही है जितनी कि किसी और पानी के ग्लास की है। इसलिए ये हमें समझना होगा कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, हर किसी को एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि पहुंच उसकी हर चीज में। अगर कोई फिल्म देखना चाहता है तो उसको इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि भाई उसको व्हील चेयर की जरूरत है, आप उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करवाएंगे और पूरे सम्मान के साथ उसको अपने अधिकार का वहां पे उपयोग करने का मौका मिलेगा कि वो जाके फिल्म देख सके। आपको इस तरीके की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, लिफ्ट का सिस्टम देना पड़ेगा वहां पे, अगर कोई जरूरत है कि बच्चे की किसी की बहुत ज्यादा नीड है तो हम देखेंगे इस कानून के अंदर कि उसकी भी व्यवस्था है कि वहां पे हमें सपोर्ट स्टाफ भी रखना पड़ेगा ऐसे बच्चों के लिए जिनको की ज्यादा जरूरत होगी, इस तरीके से अपना कार्य करने में दिक्कत होगी अगर खुद से, तो ये सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हर किसी की एक्सेसिबिलिटी हर प्रकार की सर्विसेज में, हर प्रकार की सुविधाओं में बनेगी। दोस्तों इसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमन, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में जो लैंगिक विभेद है, जो मैंने आपसे पहले ही चर्चा की कि जो विषमताएं, जो हम डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है, वो बायस डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात कई स्तरों पर है जिसमें लैंगिक पक्षपात भी बहुत है, जेंडर बायस भी बहुत है हमारे यहाँ, तो वो महिला और पुरुषों में जो विभेद है उसको भी खत्म किया जाएगा। डिसेबिलिटी के आधार पर भी अगर कोई भेद है तो उसको भी खत्म किया जाएगा। इसके आधार पे रिस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज, यानी कि कहने के बाद ये हो गया कि भाई जो भी बच्चे हैं डिसेबिलिटी वाले उनकी कैपेसिटीज को इवॉल्व करने के लिए हम काम करेंगे और उसको रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी क्षमताएं उनके अंदर होंगी काम करने की। अगर कोई शरीर से मान लीजिए बहुत बड़े काम, बहुत कठिन काम नहीं कर सकता, लेकिन वो दिमाग से बहुत काम कर सकता है, वो क्रियात्मक, वो कहने के हम कहें कि भाई एक तरीके से सृजनात्मकता वाले काम बहुत सारे कर सकते हैं, वो अच्छे गीत लिख सकता है, अच्छी पेंटिंग बना सकता है, अच्छे विचार रख सकता है, अच्छे भाषण लिख सकता है, तमाम सारे ऐसे काम कर सकता है, तो उस चीज को हम कहने के यहां पे ध्यान देंगे और ऐसे उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। इस चीज को भी हमें यहां पे ध्यान रखना है। अब आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या बात कही जा रही है। थोड़ा सा एलोबरेटेड डिस्कशन हो गया, आई होप कि आपको अगर समझ आ रहा होगा तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है उसने रिप्लेस किया किसको, ये फैक्चुअल कुछ बातें समझ लीजिए, ये प्रश्न बन सकते हैं सीधे सीधे परीक्षाओं में आने वाली सीटेट और बाकी परीक्षाओं में भी टीचिंग वाले। तो आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है आपका, एक तरीके से राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसने रिप्लेस किसको किया पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहले जो कानून था 1995 का उसका नाम था पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट
1995, ठीक है। तो पर्सन यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कहते थे उसको हम लोग, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 1996 में। अब वो कानून नहीं है क्योंकि उसी को रिप्लेस कर दिया इस वाले कानून ने जो 2016 में आया। अगली बात, जो 2016 का कानून ने, देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वो कब नोटिफाइड हुआ, कब गजट में प्रकाशित हुआ, मान लीजिए पूछा जाए तो 2016 आपको याद रखना है 28 दिसंबर को, 27 दिसंबर को ये दोनों ही सदनों में पारित हो गया था और राष्ट्रपति साहब की मुहर लग गई थी इस पे। और राष्ट्रपति साहब की मुहर लगने के बाद आप जानते हैं कि कोई भी विधेयक कानून बन जाता है, कोई भी बिल जो होता है वो एक्ट का रूप ले लेता है जैसे ही राज्यसभा लोकसभा में पारित कर दिया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रपति का भी उस पर सिग्नेचर और उनकी सील लग जाती है तो वो कानून का रूप बन जाता है। अब उसके बाद सरकार उसको लागू कब चाहती है, ये सरकार के अपने निर्णय पे डिपेंड करता है कि वो कब उसको गजट के अंदर नोटिफाई करेगी। तो सरकार ने भी देरी नहीं लगाई और 28 दिसंबर 2016 को ही उसने अपने गजट ऑफ इंडिया में, जो असाधारण राजपत्र होता है भारत का आप जानते हैं, उसके अंदर उन्होंने नोटिफाई कर दिया। अच्छा, अब इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक टर्म है, समझिएगा, जो मैंने आपसे डिस्कस तो पहले ही कर लिया तो थोड़ा ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं। इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा, इसका मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जहां पे कि सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो बिना डिसेबिलिटी के हों या डिसेबिलिटी के साथ हों, है ना, वो एक साथ पढ़ सकें, सीख सकें। एंड सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सुटेबली अडाप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। मैंने क्या कहा आपको, पहले भी बताया कि भाई इंक्लूसिव शिक्षा जो है, जो समावेशी शिक्षा है, जो कि स्पेशल एजुकेशन फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फिर समावेशी शिक्षा की बात होती है, अब का जो एक तरीके से फोकस है सरकार का और पूरी प्रक्रियाओं का शिक्षण में, वो इसी पे है कि भाई हम न सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी वाले या बिना लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, या किसी भी प्रकार की दूसरी डिसेबिलिटी वाले या बिना डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एक साथ मुख्य धारा की शिक्षा देंगे, बल्कि साथ ही साथ यह जिम्मेदारी भी खुद ही लेंगे अपने ऊपर एज ए स्कूल सिस्टम, एज ए अथॉरिटी, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, एज ए मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, कि हम उन बच्चों की जो लर्निंग नीड्स हैं, अगर उन बच्चों को करके सीखने का मन करता है, करके सीख सकते हैं, तो हम उनको करने के लिए गतिविधियां प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो बच्चे देख कर सीख सकते हैं तो हम उनके लिए विजुअल टीचिंग एड्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो बच्चे देख कर नहीं सीख सकते हैं, उनको देखने में समस्या है, बाधा है, दृष्टिबाधिता है, ब्लाइंडनेस है, तो हम उसके लिए उनको टैक्टाइल जो टीचिंग एड्स होते हैं, स्पर्शनीय जो साधन होते हैं, उनकी व्यवस्था कराएंगे। लर्निंग जो नीड्स होती हैं एक तरीके से उनकी लिसनिंग वाली, हम उनको रिकॉर्ड करके लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो सुन सुनकर सीख सकेंगे उस चीज को रिपीट कर करके। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे एज पर देयर नीड्स, और अपनी सिस्टम को भी हम इंप्रूव करेंगे, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की विधियों में या लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंसेस में चेंज नहीं करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव लाएंगे। अगर पांचवें मंजिल पर कोई क्लास होती है और कुछ बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है ऊपर क्लास तक पहुंच के जाने में, और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है, एडवांस या मॉडर्नाइज्ड या लिफ्ट जैसी व्यवस्था नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं क्लास को नीचे शिफ्ट करने की कोशिश भी करेंगे, और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके ऐसा नहीं माना जाएगा कि हम किसी के एहसान कर रहे हैं, ये उन बच्चों का, उन लोगों का हक है, अधिकार है, और उनके अधिकारों को पूरा करना हमारा ऑब्लिगेशन है। इट्स आर ड्यूटी, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आर लाइबिलिटी, वी आर नॉट फेवरिंग देम, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। वी आर नॉट देयर टू सिंपेथाइज विद देम, हमें उनके प्रति बेचारगी का या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे आर एफिशियंट इनफ टू टेक केयर ऑफ देयर problems, we need to think that if I'll be in their situation, what I need to prefer. जैसे ही आप ये सोचोगे कि अगर मैं उस स्थिति में होऊंगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, तो आपको उनकी जरूरत पता लग जाएगी, और उस जरूरत को जब आप पूरा करेंगे तो आप कहने की अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे होंगे। आपके मन में ये भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आपने किसी के प्रति कुछ ऐसा किया तो वो आपके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करे, वो करता है या उसका बड़प्पन है ना, ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। अगली बात करते हैं, देखिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मतलब कि ऐसे लोग है ना जो कि नॉट लेस देन 40% ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है आपकी 21, जैसे 2016 वाला जो कानून है उसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं, 1995 वाले कानून में टोटल 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज थी, तो इसका मतलब कि जो भी लिस्ट में स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज हैं इस कानून में 21 प्रकार की, उनमें कम से कम 40% तक की जिसकी डिसेबिलिटी है उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला बच्चा या व्यक्ति माना जाता है। बेंचमार्क का मतलब एक स्टैंडर्ड बन गया, एक प्रतिमान तय कर दिया गया कि 40% कम से कम होना चाहिए तभी उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी का बच्चा माना जाएगा, तभी उसको सारे अधिकार जो है अलग से जो एक्स्ट्रा अधिकार स्पेशल प्रोविजन दिए जा रहे हैं वो एक्सरसाइज कर पाएगा, उसका लाभ वो ले पाएगा। देखिएगा आगे बात करते हैं हम लोग, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट विच इन इंटरेक्शन विद बैरियर्स हिंडर्स हिज फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विद अदर्स। यानी कि इसके अंदर जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की डिफिनेशन देखेंगे कानून के अंदर तो क्या कहता है ये कि भाई इसका मतलब है ऐसे लोग
जो कि लंबे समय से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या फिर संवेदात्मक जो संवेदी अंग है, इंद्रिय जनित रूप से हम कहें इसको, सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में, जैसे कान, आंख, ये सब जो हमारी त्वचा सेंसेशन वगैरह हैं, इन सब चीजों के माध्यम से जो है इंपेयरमेंट के शिकार हैं या हम कहें कि भाई अक्षम हैं, और उसकी वजह से वो समाज के साथ पूरी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं उनको, उनको कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन जो सोसाइटी के अंदर देना है बाकी लोगों के बराबर, जैसे कि दूसरे सामान्य लोग दे रहे हैं अपना भूमिका अपनी निभा रहे हैं समाज के अंदर, भागीदारी कर रहे हैं, उस तरीके की भागीदारी करने में उनको बाधा आती है जिन कारणों से, उन सभी कारणों वाले लोगों को हम इसमें रखेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी में। अगली स्लाइड में देखिए बात क्या करते हैं हम लोग, अगली स्लाइड में हम लोग यूनिवर्सल डिजाइन जो मैंने अभी यूज भी किया आपसे बातचीत में, क्योंकि अब वो हमारे रच बस गया है जीवन में तो वो शब्द अपने आप निकलते रहते हैं, हमें कहीं इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यूनिवर्सल डिजाइन क्या है, मींस द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंट, प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज टू बी यूजेबल बाय ऑल द पीपल टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल विदाउट द नीड फॉर एडाप्टेशन और स्पेशलाइज्ड डिजाइन एंड सेल अप्लाई टू असिस्टिव डिवाइसेज इंक्लूडिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन वो डिजाइन मानी जाएगी किसी भी वातावरण में, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी सर्विस की, जो कि हर तरह के लोग यूज कर सकें। जैसा मैंने पहले बताया कि भाई पिक्चर हॉल जब हम बनाएंगे, सिनेमा हॉल बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो हम पहले ही इस तरीके से उसको बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां आए, चाहे उसके अंदर जैसी भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता है, वो वहां तक आसानी से पहुंच सके। इस तरीके की व्यवस्था अगर हम डेवलप करते हैं दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डिजाइन। और ये लर्निंग में भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि जैसे टीचिंग एड है, अब टीचर पढ़ा रहा है तो पहले ही वो टीचिंग एड ऐसा प्लान करके चले, ऑडियो विजुअल दोनों ही टीचिंग एड यूज करके चले, कि भाई ऑडियो लर्नर्स की भी जरूरत पूरी हो जाए और जो विजुअल लर्नर्स है उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए, और जो सामान्य तरीके से सीखने वाले बालक हैं उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए। यानी हमें डिस्क्रिमिनेटरी चीजें लेकर न चलनी पड़े, हमें उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोई अलग से अरेंजमेंट ज्यादा से ज्यादा न करना पड़े, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो इंक्लूसिव बन जाएगा, उसमें हर किसी को कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और हर कोई अपनी जरूरतों के हिसाब से सीखता और इस्तेमाल करता हुआ सर्विसेज को चला जाएगा। तो इसीलिए यूनिवर्सल डिजाइन को प्रमोट किया जाता है इसमें, यह ध्यान रखना है। अब आता है बात राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स की, तो एक एक पॉइंट देख लेते हैं। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हमने पहले ही बात की कि भाई इन सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनको अपने बराबर ही मानना है, उनकी जगह पे खुद को रख के देखना है, न कि कोई उनके प्रति हमें एहसान वाला रवैया अपनाना है। दूसरी बात इक्वालिटी, लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज और हर इंटीग्रिटी, उसकी जो अपनी आत्मनिष्ठता है, अखंडता है, अपने व्यक्तित्व के प्रति जो उसकी एक तरीके से पहचान है, उन चीजों को हम रिस्पेक्ट करेंगे ऐसे लोगों के, और साथ ही साथ उनको हम कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी को के प्रति आदर का भाव देंगे और उनको हम एक इक्वालिटी का भाव देंगे, यानी कि समानता के रूप में देखेंगे। और उसके बाद तीसरी बात कहता है यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी जो भी लोग ऐसे हैं डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति जितने भी हैं, उन सबकी जो अपनी पोटेंशियल है, चाहे वो क्रिएटिव एरियाज में हो, चाहे वो किसी और एरियाज में हो, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम बेस्ट पॉसिबल तक जो है कम से कम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसकी भूमिका को भी हम अपने आप में शामिल करने की समाज के अंदर, देश के विकास में कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, किसी को भी उसकी जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत निजता जो उसकी है, निजी जो उसकी स्वतंत्रता है, उसकी गरिमा है, उस गरिमा को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे सिर्फ इस आधार पर कि वो डिसेबल है, क्लियर हुआ। तो जो भी व्यक्तिगत उसके अधिकार हैं, च्वाइसेज हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, ठीक है, उसको हम टेक केयर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ये बात इसमें कही गई है। रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, गवर्नमेंट होगी, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो कम से कम उनको अफोर्डेबल हाउसिंग या अफोर्डेबल रेसिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाए, जहां पे कि वो सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर सकें, रह सकें, और उनको कहीं कोई बाधा, बहुत ज्यादा दिक्कत उनके लाइफ को सर्वाइव करने में न आने पाए, और वो चीप भी हो, एक्सेसिबल भी हो, ऐसा भी ना हो कि बहुत ही कॉस्टली हो कि लोग बियर ही ना कर पाए, ऐसी व्यवस्था भी करने की जिम्मेदारी इसमें रखी गई। अगली स्लाइड में आते हैं और देखते हैं फोर्थ स्लाइड में क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। एजुकेशन, अब आती है हमारी बात जो हमने स्पेशली फोकस करना है, बाकी हमने अभी जो बात की वो जनरलाइज्ड भी थी और एजुकेशन में भी काम आएगी हमें। अब देखिए एजुकेशन जो है वो चैप्टर 3 में दिया गया, पहले तो आपको याद रखना है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का जो चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 के अंदर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो आर्टिकल है वो कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, आर्टिकल तो नहीं कहेंगे, संविधान के अनुच्छेदों को हम कहते हैं अनुच्छेद, यहां पे हम धारा कहेंगे, सेक्शन कहेंगे। तो सेक्शन 16 जो है इसको डील करता है। सबसे पहले सेक्शन 16 क्या है, देखिए कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो भी वहां पे उपयुक्त प्राधिकारी होंगे या सरकार होगी या लोकल अथॉरिटीज होंगी, वो क्या करेंगे, देखिए कि वो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सरकार के द्वारा फंडेड हैं या रिकॉग्नाइज्ड हैं सरकार के द्वारा, या फिर
जो भी जिस तरीके से हाफ पार्सली फंडेड है कुछ भी है, तो वो क्या करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को डिसेबिलिटी वाले, और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। उसमें क्या क्या करेंगे देखिए, तो एडमिशन उनका है पहला, एडमिट देम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यानी कि वो उनको नामांकन देंगे और बिना किसी भेदभाव के सारे डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, हम मना किसी को भी नहीं करेंगे पढ़ाने से, चाहे उसकी स्थिति जैसी भी है जैसे भी है, हम उसको इक्वली ट्रीट करेंगे और सबको एडमिशन देंगे स्कूलों में। और उनको सिर्फ एडमिशन नहीं देंगे कि भाई चलो एडमिशन ले लिया और तुम खाली पढ़ो बैठ के, उनको स्पोर्ट्स में भी जो भी वो खेल सकते हैं, जो भी उनकी क्षमता अलाउ करती है उनको, उसके हिसाब से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी मौका दिया जाएगा। रिक्रिएशनल यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, गीत संगीत या बागवानी जैसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ भी जो कि बच्चे की पर्सनालिटी को मल्टीपल बनाते हैं, उसकी डायमेंशन को क्रिएट करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, को स्कॉलिस्टिक जिसको आप कहते हो, उसके मौके भी दिए जाएंगे। अगली बात, मेक बिल्डिंग कैंपस एंड वेरियस फैसिलिटीज एक्सेसिबल, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि भाई जो भी बिल्डिंग है स्कूल की, जो भी कंपाउंड है, कैंपस है पूरा का पूरा, उन सबको एक्सेसिबल बनाया जाएगा फैसिलिटीज को, ताकि हर बच्चा उसको एक तरीके से सुविधा का लाभ ले सके। उसके बाद प्रोवाइडिंग रीजनेबल एकोमोडेशन, ये हमने पहले ही बात कर ली कि जो भी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है व्यक्ति की अपनी, उसके हिसाब से उसको एक अफोर्डेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अफोर्डेबल मतलब जिसको कि वो आराम से रीजनेबल हो, जो जिसको कि आराम से वो कहीं ना कहीं एक्सेस कर सके, उसको वो ले सके सर्विसेज का फायदा, इस रेंज में हो वो, है ना। ये भी हमने चर्चा की। प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड और अदरवाइज इन एनवायरमेंट दैट मैक्सिमाइज एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ फुल इंक्लूजन, यानी कि हम ऐसे जितने भी जरूरी कदम होंगे, जरूरी सहायताएं होंगी, चाहे वो इंडिविजुअलाइज्ड हो चाहे ग्रुप में हो, यानी कि किसी एक कक्षा के किसी एक व्यक्ति की कोई विशिष्ट आवश्यकता होगी तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, और अगर चार पांच बच्चे एक जैसी आवश्यकता अलग रखते होंगे तो उसको हम ग्रुप के फॉर्म में भी दे सकते होंगे, लेकिन होगा वो इंडिविजुअलाइज्ड ही क्योंकि नीड बेस्ड हो गया। तो आईईपी जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो होता है वो रेमेडियल टीचिंग का पार्ट होता है, यानी कि ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को जब हम अलग से सेटिस्फाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसको ही हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का पार्ट मानते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति में उपचारात्मक होता है, रेमेडियल होता है, यानी कि कमियों को पूरा करने वाला होता है, गैप को ब्रिज करने वाला प्रयास होता है दोस्तों। तो इसमें ये बात भी की जाएगी ताकि उनको हम पूरी तरह से कंप्लीट इंक्लूजन किया जा सके, उनका कुछ पार्शियल इंक्लूजन ना हो बल्कि संपूर्ण रूप से हम उनको समावेशित कर सके अपनी मेन स्ट्रीम एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। अगले स्लाइड में देखिए क्या बात है, पांचवें स्लाइड में। अब देखिए आपको समझ आता जा रहा होगा क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस थोड़ा सा कर लिया डिटेल में, तो मैंने कहा था कि भी अगर हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस की बात को समझ लें तो पूरा कानून उसी पर कहीं ना कहीं बेस्ड हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहता है पांचवा जो पॉइंट है, इंश्योर दैट द एजुकेशन टू पर्सन हु आर ब्लाइंड और डेफ और बोथ इज इम्पेयर्ड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेज एंड मोड्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टि बाधित हैं या मान लीजिए श्रव्य बाधित हैं या दोनों हैं, उनको हम ऐसी भाषा में या ऐसे मोड ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसी संचार की व्यवस्था रखेंगे उनके लिए, ऐसे संचार के माध्यम रखेंगे, ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे कि वो आसानी से समझ सकें, सीख सकें, जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो। जैसे कि मान लीजिए ब्लाइंड बच्चों के लिए हम ब्रेल लिपि का यूज करते हैं जिसको कि हम छू कर सीख सकते हैं, स्पर्श के माध्यम से अक्षरों की पहचान कर सकते हैं। आप मेट्रो में जाते हैं तो येलो लाइन जो होती है नीचे बनी हुई, फुट स्टेप्स बने होते हैं उस पे वो चल पाते हैं क्योंकि उससे उनको अनुमान लग जाता है कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हम शिक्षा में भी रखेंगे, लैंग्वेजेज में और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में भी। उसी तरीके से साइन लैंग्वेजेज का यूज हम कर सकते हैं डेफ बच्चों के लिए या दोनों हैं उनके लिए। क्लियर हुआ? तो हम एक तरीके से जो उनकी विशिष्ट आवश्यकता है उसके हिसाब से या तो लिसनिंग एड्स या तो हम कहें टैक्टाइल एड्स यानी कि स्पर्शनीय जो साधन है या जो श्रव्य साधन है उन चीजों का पूरा प्रयोग करते हुए चलेंगे और इस तरीके से बच्चों को हम सिखाएंगे साइन लैंग्वेजेस हैं उन सब चीजों को। अब देखिए, डिटेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन एट द अर्लीएस्ट एंड टेक सुटेबल पेडागोजिकल एंड अदर मेजर्स टू ओवरकम देम, यानी कि शुरुआत में ही छोटी कक्षा में ही आप बच्चों की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको पहचान लीजिए, और जब उनकी अधिगम क्षमता आपको समझ आ जाएगी कि बच्चा डिसलेक्सिक है, बच्चा डिसग्राफिया से एक तरीके से परेशान है, या बच्चे के अंदर डिसकैलकुलिया की गणना संबंधित क्षमता नहीं है, या हम कहें उसको अंदर मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है यानी डिस्प्रैक्सिया है, या उसको ओवरऑल कम्युनिकेशन लैंग्वेज की जो उसमें प्रॉब्लम आ रही डिसफेजिया है या फेजिया है, तो इस चीज को हम पहले ही कहीं ना कहीं देख लेंगे और देखकर हम उसको अपने पढ़ाने के तौर तरीकों में बदलाव कर लेंगे शुरू से ही, ताकि उस बच्चे को हम आगे कायदे से लेके चल सकें और उसको खुद अपने समस्याओं को दूर करने में, ओवरकम करने में मदद मिल सके। इसके बाद मॉनिटर पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस इन देयर
टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट्स लेवल एंड कंप्लीशन ऑफ एजुकेशनल एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी कि हम उनकी जो पार्टिसिपेशन उसको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे, जिसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर हम लोग शामिल करते हैं कि भाई सतत आपका अवलोकन होते रहना चाहिए कि बच्चा ठीक तरीके से विकसित हो रहा नहीं हो रहा, पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा एक्टिविटीज के अंदर, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रही है, वो अपने लेवल्स को अटेन कर रहा है कि नहीं, अचीव कर पा रहा है कि नहीं अपने गोल्स को प्रॉपरली, और जो भी एजुकेशनल टास्क है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको वो कंप्लीट कितना कर पा रहा है कितना नहीं कर पा रहा है। तो हर बच्चा जो डिसेबल है उसके बारे में आपको इस तरीके से एक रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और आपको उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लर्निंग फॉर असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीसीई, हम बोल सकते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट, इन सब तरीके की प्रक्रियाओं का हमें इसमें लाभ लेना पड़ेगा, इसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और लास्ट बात इसमें देखिए क्या कही जा रही है, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल्सो द अटेंडेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स। इसी को मैंने आपको एक्सप्रेस किया था पहले कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि हाई सपोर्ट नीड्स की जरूरत है डिसेबिलिटी में, जिसको कि अपने दिन प्रतिदिन के रोजमर्रा के छोटे छोटे काम में भी दिक्कत आती है और वो खुद से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ असिस्टेंट्स भी, उनको सहायक भी लगाने पड़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा भी आपके स्कूल में पढ़ रहा है जिसको कि कोई ना कोई अटेंडेंट आता है और उसको यहां पर रखकर जाता है स्कूल के अंदर, तो आप उस अटेंडेंट के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि उनके साथ कोई भेदभाव ना होने पाए, व्यवहार उनके प्रति अच्छा रहे, आदर का भाव रहे, उनको हीन भावना से ना देखा जाए, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस ना हो उनके प्रति लोगों के अंदर, ये सारी चीजें, और उनको जो है आप अकोमोडेट करेंगे ताकि वो बच्चे भी प्रॉपरली सारे बच्चों की तरह सीख सकें। और ये चूंकि एक शिक्षक होने के नाते पिछले 10 वर्षों का जो मेरा अनुभव है उसमें मैंने कई बार इस चीज को अपने सामने देखा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये हमारा खुद का अपना किया हुआ अनुभव है, भुगता हुआ अनुभव है, और हम इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। अभी केवीएस के इंटरव्यू के टाइम पे हमारे पास एक बच्चा ऐसा आया, एक लेडी थी जिनको कि देना था इंटरव्यू अपना पीजीटी टीजीटी का कुछ, तो उनके साथ सेम प्रॉब्लम थी, सी वॉज कमिंग विद द अटेंडेंट, और पहले ही दिन हमें, मैं ऐसे ही निकल रहा था इंटरव्यू के बच्चों से बातचीत करते करते उनके डाउट्स लेते लेते, और मुझे कुछ बातचीत स्टाफ के बीच में और उनके बीच में चल रही थी जिसमें कि मैंने सुनने की कोशिश करी भाई क्या बात है बताइए, तो बताया गया कि सर ये सीढ़ियां उतरने में थोड़ी इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो चेयर पे आती थी और इस तरीके से जाती थी, तो यहां पे एक रॉड होनी चाहिए जिसको कि पकड़ के कम से कम आदमी कभी अकेले उठना हो या चलना हो तो चल सके। मैंने तुरंत उसको उसी समय रॉड लगवाया और उनको प्रॉपर जो है अपना एक अटेंडेंट दिया और जिसने कि उनको क्लास में ले जाना, क्लास से बाहर निकालना, इसमें पूरा सहयोग किया और उस बच्चे ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, बड़ा अच्छा फीडबैक रहा उसका, और ऐसे पहले भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको कहीं ना कहीं, अब एक चीज और समझिएगा, डिसेबिलिटी जो होती है बच्चों उसको हमें टेम्परेरी वे में देखना चाहिए क्योंकि ये एक्सीडेंटल भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि भाई आज जो व्यक्ति सामान्य दिख रहा है वो हमेशा जीवन भर के लिए सामान्य के अंदर खाता लिखवा के आया हुआ है। डिसेबिलिटी ऐसी चीज है जो किसी के साथ कभी भी ऑकर हो सकती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है और इसके प्रति कोई भी नकारात्मक रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है और ना ही ये किसी और के हिस्से की चीज है, ये हम सबके हिस्से की चीज बन सकती है, इसलिए उसके प्रति हमें बहुत ही एक तरीके से तैयार होने की जरूरत है मेंटली, और जब हम ऐसे हो जाएंगे तो हम दूसरे के प्रति कभी भी हीन भावना की बात करेंगे ही नहीं, उपेक्षा करेंगे ही नहीं। ठीक है, समानुभूति इसी को कहते हैं, इसी को एम्पैथेटिक बिहेवियर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे, आइए देखते हैं छठी स्लाइड पे। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं छठे स्लाइड पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए इसमें सेक्शन 17 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 17 क्या कहता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज शैल टेक द फॉलोइंग मेजर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16, यानी कि जो 16 में हमने अधिकार बच्चों की बात की, उन अधिकारों को लागू करने के लिए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है या सरकार है उसको क्या करना होगा लोकल अथॉरिटीज को, ये बात इसमें कही गई है। देखिए एक तो कहा गया है कि टू कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एवरी 5 ईयर्स फॉर आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी हर 5 साल पे जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनका हम क्या करेंगे, उनका हम एक सर्वे करेंगे ताकि हमको पता चल सके कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे कितने हैं। असर्टेनिंग देयर स्पेशल नीड्स, उनकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनको हम तय करेंगे जानेंगे, और एंड द एक्सटेंट टू विच दीज आर बीइंग मेट, और किस स्तर तक ये आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं स्कूलों में विद्यालयों में वो भी जांचा जाएगा देखा जाएगा, और प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट सर्वे शैल बी कंडक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी जब से कानून लागू हुआ 28 दिसंबर 2016 जैसे हम बात कर रहे हैं तब से पहला जो सर्वे होना चाहिए वो 2 साल के अंदर ही हो जाना चाहिए, उसके बाद हर 5 साल पे होना चाहिए कि भाई कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनमें कितने डिसेबल बच्चे हैं और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को कितने हद तक पूरा किया जा पा रहा है। अगली बात कह रहा है कि टू एस्टैब्लिश एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता के बच्चे हैं समावेशी शिक्षा को पढ़ाने के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए टीचर्स में, उन टीचर्स को ट्रेन करने के लिए टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी पर्याप्त मात्रा में हमें कहीं ना कहीं खोलने पड़ेंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी रखी गई इसमें आर्टिकल सेक्शन 17 के अंदर।
तीसरी बात कहता है टू ट्रेन एंड एम्प्लॉय टीचर्स इंक्लूडिंग टीचर्स विद डिसेबिलिटी हु आर क्वालिफाइड इन साइन लैंग्वेजेस एंड ब्रेल लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो टीचर्स हु आर ट्रेंड इन टीचिंग चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी कि हमें क्या करना होगा कि ऐसे टीचरों को इम्प्लॉय करना पड़ेगा, अपने यहाँ नियुक्त करना पड़ेगा विद्यालयों में। सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि सरकार क्या करेगी, ऐसे अध्यापकों को नियुक्त करेगी और उनको साथ में ट्रेन करेगी, प्रशिक्षित करेगी। इसमें डिसेबिलिटी वाले भी टीचर्स इंक्लूड होंगे जिनको कि क्या आती हो, साइन लैंग्वेजेज आती हो जो डेफ बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, संकेतिक जो संकेतों की भाषा होती है, या फिर ब्रेल लिपि जो मैंने बताया पहले टैक्टाइल टीचिंग एड के रूप में होती है, स्पर्शनीय एक तरीके से सीखने का माध्यम होता है हमारा, छू छू कर उसको सीखा जा सकता है। उसमें जो लोग सक्षम है, सीखे हुए हैं, उनको हम टीचर के रूप में हम कहीं ना कहीं ला सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। और साथ में उनको ऐसी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअल जो इम्पेयरमेंट है, जो बौद्धिक एक तरीके से अक्षमताएं हैं या लर्निंग डिसऑर्डर्स आदि हैं, उनको भी डील कर सके, उनको भी कायदे से हैंडल कर सके और क्लास में बच्चों को पढ़ा सके। अगली बात इसमें कहता है कि टू ट्रेन प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। कि भाई टीचर चलो ट्रेन कर लिया आपने, काम चल गया, लेकिन केवल टीचर ट्रेन करने से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको जो सपोर्ट स्टाफ है उस सपोर्ट स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ेगा। जो विद्यालय के अंदर LDC एम्प्लॉयज होते हैं मान लीजिए, या हम कहें कि जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज होते हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ होता है हमारा, है ना, ड्राइवर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, बस के अंदर जो बस ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, ओवरऑल जो भी स्टाफ है ना, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के प्रति कैसी भावनाएं रखनी है, किस तरीके से उनके साथ बातचीत करना है, किस तरीके से उनके मोराल को डाउन नहीं होने देना है, कैसे उनको असिस्ट करना है, ये पता होना बहुत जरूरी होता है, तो उनको भी ट्रेन किया जाएगा। इसके बाद देखिए अगले स्लाइड में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगली स्लाइड में दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेवेंथ स्लाइड में, देखिए कि टू एस्टैब्लिश एडिक्वेट नंबर ऑफ रिसोर्स सेंटर्स टू सपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी कि विद्यालय के सभी स्तरों पे, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, हर स्तर पर हमें क्या करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन केंद्र बनाने पड़ेंगे, रिसोर्स सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे ये डाइट्स वगैरह होते हैं हम देखते हैं ना, या जैसे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स होते हैं BRCs वगैरह, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेंगी ताकि हम सपोर्ट कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके के इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने में। अगली बात टू प्रमोट टू यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव मोड्स इंक्लूडिंग मीन्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेल एंड साइन लैंग्वेजेस टू सप्लीमेंट द यूज ऑफ वंस ओन स्पीच टू फुलफिल द डेली कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ पर्सन विद स्पीच कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डिसेबिलिटीज एंड इनेबल्स देम टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। यानी कि सीधी सी बात कह रहा है जो हमने पहले भी बात करी कि भाई हमें प्रमोट करना पड़ेगा ऐसी चीजों को, ऐसी असिस्टिव डिवाइसेस को, ऐसे एक तरीके से फॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशंस को, जैसे कि ब्रेल लिपि हो गई, है ना, जैसे कि साइन लैंग्वेजेज हो गई, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कुछ ऐसे ऑगमेंटेटिव या अल्टरनेटिव मोड्स हो गए जो कि ऐसे बच्चे जो है डिसेबिलिटी वाले, जो लैंग्वेज डिसेबिलिटी के बच्चे हैं या कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, वो उसका इस्तेमाल करके अपनी डे टू डे रूटीन जो है इंटरेक्शन की, उसको कायदे से कम्युनिकेट कर सकें, लोगों के साथ बातचीत में इस्तेमाल कर सकें, और साथ ही साथ अपना जो है अपने समुदाय या अपने समाज के प्रति वो अपनी जो भूमिका है उसमें कायदे से भागीदारीपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करके उसको इंश्योर कर सकें। अगली बात कहता है टू प्रोवाइड बुक्स अदर लर्निंग मटेरियल्स एंड अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस टू स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है दोस्तों वो लागू होता है डिसेबिलिटी एक्ट के साथ मिलाकर डिसेबल बच्चों के लिए भी, लेकिन अंतर क्या है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है सामान्य बच्चों के लिए कहता है कि हम 6 से 14 साल तक के बच्चों को अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे, सारी चीजें सारी डिवाइसेस उनको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के, इनको वही कानून राइट टू एजुकेशन 6 से 18 साल तक की उम्र को लाभान्वित समूह में रखता है, उनको बेनिफिशियरी ग्रुप में रखता है, और इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं मिड डे मील हो गया, किताबें हो गई, बैग्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गया, वो तो दिया ही जाएगा फ्री में निःशुल्क रूप से। साथ ही साथ इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार जो इनको असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, अन्य सहायक उपकरण चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर ऑर्थोपेडिकली प्रॉब्लम है तो हम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकते हैं, चलने के लिए बैसाखी दे सकते हैं, चलने के हम उसके बैठने के लिए व्यवस्था दे सकते हैं, व्हील चेयर अलॉट करा सकते हैं, तो ये सारी जो भी उनको रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो देना पड़ेगा हमें। हियरिंग के लिए मान लीजिए किसी की कमजोर है हियरिंग, तो उसके लिए हम उनको कोई ना कोई डिवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, हियरिंग डिवाइसेज होते हैं, तो ये सब हमें उनको निःशुल्क उपलब्ध कराना पड़ेगा ताकि वो बिना बाधा के सीख सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें, ये भी बात है इसके अंदर। और ये 6 से 18 साल आप ध्यान रखिएगा, CTET में अभी दिसंबर वाले पेपर में पूछा भी हुआ था और CBSE को कई लोग चैलेंज कर रहे थे कि नहीं भाई 6 से 14 होना चाहिए बिना पूरा पढ़े। अगली बात देखिए टू प्रमोट स्कॉलरशिप्स इन अप्रोप्रिएट केसेस
टू स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे उनको जो भी अप्रोप्रिएट केस होगा, मतलब कि भाई सबको नहीं, जो उस लायक हो, जिनको कि वो लाभ मिलना चाहिए, उनको हम छात्रवृत्ति भी प्रदान करेंगे, ऐसी व्यवस्था भी इस कानून के अंदर की गई है। दोस्तों अगली स्लाइड में देखिए हम बात कर रहे हैं कुछ और ऐसे सुझावों की, टू मेक सुटेबल मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज सच एज एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब और एमोनिसिस एग्जेम्पशन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज, यानी कि ऐसे बच्चों को जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि इंक्लूसिव एजुकेशन में चेंज इन सिस्टम की बात की जाती है और बच्चे के हिसाब से पूरी व्यवस्था को हमें एक तरीके से रूपांतरित ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। वही बात यहाँ पे कहा गया कि हम पूरा का पूरा जो पाठ्यचर्या है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे जो जरूरी होंगे हमारे लिए इन एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की। और एग्जामिनेशन जो सिस्टम है हमारा, परीक्षा की जो प्रणाली है, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्म बेस्ड नॉर्म रेफरेंस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, पूरे समूह के लिए एक ही मानक तय कर दिया गया, एक मानकीकृत परीक्षण हो रहा है जो कि अथॉरिटी सेट कर रहा है, बोर्ड एग्जाम हो रहा है, उसको बच्चों की आवश्यकताएं पता है नहीं, क्लास के अंदर क्या है क्या नहीं है, अनुमान के आधार पर चीजें चल रही है, तो समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चों को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, अच्छे बुरे के रेटिंग कर रहे हैं या रैंकिंग कर रहे हैं या मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं परीक्षा प्रणाली हमारी रचनात्मक होनी चाहिए, यानी कि फॉर्मेटिव होनी चाहिए और इंडिविजुअल अचीवमेंट को फोकस करने वाली होनी चाहिए कि हर बच्चा अपनी क्षमता अनुसार, अपनी व्यक्तिगत जो उसका सामर्थ्य है, उसका जो अभिरुचि है, उसकी जो उसकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, जो उसकी एटीट्यूड है, जो उसका एक तरीके से इनहेरेंट टैलेंट है, उसके हिसाब से उस क्षेत्र में आगे प्रॉस्पर कर सके, ग्रो कर सके, ये शिक्षा का उद्देश्य है और इसके लिए आकलन होना चाहिए। तो आकलन या परीक्षा कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि बच्चे उससे डरें, घबराएं और उसकी वजह से तनाव में आ जाएं, उल्टा एंजाइटी उनकी बढ़ जाए, नहीं, बल्कि ये लर्निंग टीचिंग का पार्ट होना चाहिए, रेगुलर प्रोसेस का, जैसे कि बाकी गतिविधियां होती हैं कक्षा की, जैसे बाकी कार्यक्रम काम होते हैं कक्षा के अंदर, वैसे ही परीक्षा को भी बच्चों के मन में होना चाहिए, परीक्षा को भी उसी तरीके से हमें लाने की, संचालित करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, परीक्षा को हमें जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ मोड़ना पड़ेगा, सीखने का आकलन न करके सीखने के उद्देश्य से आकलन हो, ताकि हम सीखने को और बेहतर बना सकें, इसलिए हम बच्चों का मूल्यांकन करें, सिर्फ इसलिए न करें कि उनको हम बांटना चाहते हैं, कैटेगराइज करना चाहते हैं, वो गलत है। दूसरी बात कि हम रचनात्मक आकलन की बात करें, सीसीई की बात करें, कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो, एक तो इवेल्युएशन पीरियोडिकल ना हो कि भी 6 महीने साल भर पर होगा एक बार, उसमें फिर सुधार की आवश्यकता या सुधार की संभावना कम हो जाएगी, और रेगुलर बेसिस पे होगा तो क्या होगा कि भी क्लास की प्रक्रिया के दौरान, पढ़ने पढ़ाने के दौरान ही टीचर बच्चों से प्रश्न पूछकर या उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उनका आकलन करता रहेगा, अवलोकन के माध्यम से, मॉनिटरिंग के माध्यम से, और जहां जैसे जरूरत होगी सुधार की, उस सुधार को इनकलकेट करता चला जाएगा, ये ज्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ ओवरऑल इवेल्युएशन होना चाहिए, केवल एकेडमिक्स का, केवल पढ़ाई लिखाई का ही ना हो, बल्कि बच्चे की व्यवहार का, उसकी भाषा का, उसकी नैतिकता का, उसके सामाजिक कौशलों का, उसकी संवेगों का, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट का, उसकी मोटर स्किल्स का, उसके स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन का, उसके अंदर सोशल अवेयरनेस, सोशल एक तरीके से जागरूकता कितनी है सामाजिक, उन सभी चीजों के पक्षों का, क्रिएटिविटी कितनी है, टैलेंट क्या है उसके अंदर, इन सभी चीजों का मूल्यांकन हो, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का पार्ट मानते हैं। तो सीसीई लागू होना चाहिए इसमें, यह भी हम कह सकते हैं इसके अंदर। इसमें हम क्राइटेरियन रेफरेंस डिवेल्यूशन की बात करेंगे नॉर्म की जगह पे, और हर बच्चे को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसमें करने की बात भी कही गई है, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि भाई कुछ बच्चों को जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम देने की बात करना, उनको कुछ न कुछ स्क्राइब अलग से प्रोवाइड करना जो देख नहीं सकते, उनके लिए परीक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठ के उनके कहे अनुसार आंसर लिख सके या मार्क कर सके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप जानते होता है ऐसा, तो ये सब फैसिलिटीज हमको देने की जरूरत होगी। टू प्रमोट रिसर्च टू इंप्रूव लर्निंग एंड, यानी कि हमें रिसर्च को, अनुसंधान को भी हमें बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि हम डिसेबिलिटी वाले बच्चों की जो लर्निंग है, शिक्षा है, उसको और बेहतर बना सके, प्रमोट कर सके, और साथ ही साथ एनी अदर मेजर्स एज में भी रिक्वायर्ड, और भी कोई सुधार जो सरकार को लगे उचित है इन बच्चों की शिक्षा को अच्छे तरीके से सुनिश्चित करने के लिए, तो वो सुधार भी लिया जाना चाहिए। 18वां पॉइंट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज शैल टेक मेजर्स टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम इक्वली विद अदर्स, यानी कि सिर्फ बेसिक शिक्षा या स्कूल शिक्षा की बात नहीं है, हायर एजुकेशन में, अडल्ट एजुकेशन में जो यौन शिक्षा है उसमें भी हम किसी तरह का अपने मन में टैबू ना रखें, किसी तरीके का हम अपने मन में एक स्टीरियोटाइप ना रखें, खासकर महिलाएं जो है डिसेबिलिटी वाली, उनको
तो आप विशेष रूप से एडल्ट एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि वो भी डिग्निफाइड लाइफ अपनी जी सकें और जो उनकी जनरेटिविटी है, जो उनकी जननात्मकता है, उसका भी वो ठीक तरीके से, एक तरीके से हम कहें कि उस आनंद की अनुभूति भी वो कर सकें, किसी भी शारीरिक अक्षमता के आधार पर उससे वो वंचित ना हो, इस तरीके से उनको ट्रेन करने की, उनको हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। ये सारी बातें भी इसमें कही गई, और आगे की जो हायर एजुकेशन है उसको भी बाकी लोगों के साथ बराबरी के साथ, समानता के साथ वो संचालित कर सकें, इसके लिए भी हमें प्रयास करने की जरूरत है। ये सेक्शन कहता है। अब कुछ और विशेष बातें देखिए जो सवाल बन सकते हैं आपके लिए। Every child with benchmark disability between the age of 6 to 18 years shall have the right to free education in a neighborhood school or in a special education of his choice। यानी कोई भी बच्चा चाहे तो अपने आस पड़ोस के विद्यालय में, चाहे तो स्पेशल एजुकेशन में, जो 6 से 18 साल की उम्र का है उसको हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना पड़ेगा। अगले स्लाइड में इसमें देखिए कुछ बातें और भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्लाइड है आपकी ये आज की इस वीडियो की। All government institutions of higher education and other higher education institutions receiving and receiving aid from the government shall reserve not less than 5% seats for persons with benchmark disabilities। यानी कि आरक्षण की बात है कि भाई जितने भी स्कूल चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी फंडेड हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से सरकार से एड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपने पास कम से कम 5% या 5% तो मतलब 5% से कम तो रखना ही नहीं है, 5% कम से कम सीट्स आरक्षित रखनी पड़ेंगी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एडमिशन देने के लिए। उसी तरीके से आगे की अगर हम बात करें तो अपर एज जो है उनकी किसी भी जॉब में, किसी भी पोस्ट में, उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन देने की बात भी इसमें कही गई है, कम से कम 5 साल का एज रिलैक्सेशन अपर एज में मिलना ही चाहिए ऐसे बच्चों को, ताकि वो इक्वालिटी आ सके, ताकि वो जो लेवल प्लेन फील्ड है वो बन सके, एक समान स्तर पर सबको लाया जा सके, उनको भी मौके मिल सके। एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट इन एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉट लेस देन 4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द कैडर स्ट्रेंथ इन ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट मीन्ट टू बी फिल्ड विद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यानी कि सरकारी जितने भी देखो एक तरीके से अवसर हैं रोजगार के, उन सभी रोजगार के अवसरों में सरकार के द्वारा क्या करने की जरूरत है कि भाई कम से कम 4% सीटें आरक्षित रखनी है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए, है ना, यानी कि रिजर्व कैटेगरी जो होती है। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये जो आरक्षण होता है वो क्षैतिजिक आरक्षण होता है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि आउट ऑफ 100 इतना परसेंट अलग से नहीं है। जो भी ओबीसी की का कोटा है उसके अंदर ओबीसी वाले जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे उनको सीट मिलेंगी आरक्षित, जो जनरल का एक तरीके से बचा हुआ सीट है अनरिजर्व्ड वाला उसमें अनरिजर्व्ड के बच्चे आ जाएंगे डिसेबिलिटी वाले, इसी तरीके से एससी में और एसटी में भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में ही उनको हॉरिजॉन्टली जो है रिजर्व किया जाएगा, 4% के हिसाब से उनको सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज इन दिस एक्ट, तो मैंने बताया था आपको 21 है, पहले कितनी थी 7 थी, अब ये कौन कौन सी 21 है इसको अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसके लिए इसी में मैं इसका जो पीडीएफ है लिंक वो अपडेट कर देता हूं, आप उस पीडीएफ लिंक को पढ़कर इसके बारे में ब्रीफ में जान जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद लास्ट और बट नॉट द लिस्ट क्या बात है, रोल ऑफ आरसीआई, यानी कि इसके संबंध में एक बात और समझ लीजिए कि जो विशिष्ट शिक्षा है, वैसे जो सामान्य शिक्षा है उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें जो टीचर एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया है, विनियामक संस्था बनाया गया है आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा, वो एनसीटीई को बनाया गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को बनाया गया है ना। सामान्य शिक्षा प्रणाली जो है हमारी रूटीन वाली, रेगुलर वाली, नियमित वाली, उसमें जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है भारत के, जो भी शिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होगा, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, क्या बेंचमार्क होंगे, है ना, और शिक्षण प्रशिक्षण कैसे उनको दिया जाएगा, इन सारे कार्यों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करता है, वही नॉर्म्स सेट करता है, वही सारी चीजों को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन जो विशेष शिक्षा है, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा है, उस संबंध में यही वाला काम आरसीआई करता है, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, भारतीय पुनर्वास परिषद करता है दोस्तों। तो इसी बात के साथ आज की जो कक्षा थी इसको आप शेयर करिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं शेयर करिएगा पहली बार इस वीडियो में, क्यों, क्योंकि ये हमारे और आपके कहीं ना कहीं गुणात्मक विकास के लिए जानना जरूरी है। इट्स नॉट ओनली टू गेट सम मार्क्स, टू फेच सम मार्क्स इन आर एग्जाम्स, बट इट इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच दोस्तों, शुभ रात्रि, खुश रहिए, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही एक नए वीडियो में, और बात करते हैं कुछ और समझदारी वाली बातों की, जानकारी वाली बातों की। आप लोग खुश रहिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुश रहना ही शिक्षा का माध्यम है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।